अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने वाला हूँ। यदि आप कतर में अभी रहते हो, कतर में जाने वाले हो, कतर में काम कर रहे हो, तो काम की दोस्तों वहाँ पे बारिश मान के चलिए एक तरह का वहाँ पे होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो दोस्तों पूरा देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों भाइयों, आप लोगों को तो पता ही होगा कतर में नए नए इवेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। तो दोस्तों एक वहाँ पे इवेंट्स होने वाला जिनका नाम है AFC एशियन कप। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूं कि AFC एशियन कप इस बार कतर में होने वाला है। तो AFC एशियन कप की पूरी दोस्तों डिटेल जो है वो जारी कर दी गई है, जैसे कि कितने ग्रुप के वहां पे मैच होगा, मैच का शेड्यूल क्या होगा, कौन से स्टेडियम में मैच को खिलाया जाएगा। दोस्तों ये मैच जो चलेगा 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक चलने वाला है। तो मान के चलिए कि लगभग 27 से 28 दिनों का ये मैच होगा। बहुत ही बड़े दोस्तों ये इवेंट्स होती है, बहुत ही बड़ा दोस्तों ये कप होता है, एशियाई सभी कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। साथियों आपको बता दूँ, इसमें ग्रुप वाइज जो चुना गया है, तो ग्रुप ए में कतर, चाइना, ताजिस्तान और लेबनान को चुना गया। वहीं पे ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया और इंडिया को चुना गया। ग्रुप सी में ईरान, UAE जिसे आप दुबई के नाम से भी जानते हैं, हांगकांग जिसे हांगकांग और चाइना मिलकर खेलेगी, और फिलिस्तीन ग्रुप सी में चुना गया। ग्रुप डी में जापान, इंडोनेशिया, इराक और वियतनाम को चुना गया है। ग्रुप ई में कोरिया रिपब्लिक, मलेशिया, जॉर्डन और बहरीन, और ग्रुप एफ में दोस्तों है सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, क्रिच रिपब्लिक और ओमान। तो लगभग मान के चलिए साथियों कि लगभग इसमें 6 ग्रुपों को चुना गया है और लगभग 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी टीमें आपके सामने हैं। तो ये सभी टीमें AFC एशियन कप में दोस्तों पार्टिसिपेट करेगी। सबसे ज़्यादा दोस्तों गर्व की बात इंडियन लोगों के लिए, जो भी इंडियन भाई लोग आप लोग वहाँ पे हो, तो इंडियन टीम भी दोस्तों इस बार वहाँ पे खेलने वाली है। तो आप लोग यदि इंडिया के सपोर्टर हो तो मैच इस बार देखने जा सकते हो। अब साथियों बात करते हैं ग्रुप एक, अब ग्रुप के बारे में बात होगी। अब दोस्तों कौन कौन से स्टेडियम मैच को खेला जाएगा, तो लगभग इसके लिए साथियों 9 स्टेडियम को चुना गया है, यानी 9 स्टेडियम कतर में है। पहला अल जनूब स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, अल बैत स्टेडियम में, अहमद बिन अली स्टेडियम में, अल थुमामा स्टेडियम में, एजुकेशन सिटी स्टेडियम में, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, जसीम बिन हमद स्टेडियम, अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम और लुसेल स्टेडियम। तो दोस्तों लगभग यदि गिनोगे आप तो लगभग 9 स्टेडियम को चुना गया है मैच को करवाने के लिए। वहीं पे साथ यदि शेड्यूल के बारे में बात करूं कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा मैच वहां पे खेला जाएगा, तो यहां पे आप देख सकते हो साथ यदि मैं शेड्यूल बजाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ग्रुप स्टेज भी वहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सा ग्रुप कैसे कैसे मैच खेलेगा, फिर नॉकआउट जो मैच चलेगा उसके बारे में भी दी हुई है। आप यदि देख सकते हो देख लीजिए, क्योंकि बताना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही दोस्तों ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।